और जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट की जो बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग है, तो 10 दिन वही मांग रहा है मेरे पास। तो यहाँ मीटर में देखो फ्लक्चुएशन हो रही है। मास्टर सिलेंडर में ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये कितना ज़्यादा डस्टी हो रखा है ना। बाकी ध्यान से देखो राइटर ग्रिल है जो, ये देखो राइटर काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रखा है। इसका ब्लैक वाला स्क्रू खरीद लेंगे। ये देखो मड गार्डन दोनों ये प्रॉपर नहीं आएंगे इसमें, ये तोड़ेगा इसने मेरा काफ़ी टाइम पहले किया, 2 साल हो गए। ये स्लाइडर काफ़ी पुराना हो गया, देखो रस्ट वगैरह यार खड़ी थी ना बाइक। बाकी ध्यान से देखना कैट है जो, कैट उसमें कहाँ से रस्टिंग इशू आया है, जो मेरा सिंगाम है ठीक है, सेम गूरी बाइक में भी आता है ये वाला मेरे को, ये ठीक चल रहा है वैसे टचवुड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का जला पैनल, मेन तो चेज की बात है ना, सभी की आरएस में आता है एक आध बार गिर जाता है। एंड गाइस बात करें फ्यूल पंप की, सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज यू नो गाइस जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर भाई हैं उन्हें अच्छे से पता है कि बाइक में जो काम स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी थी, अराउंड 1 ईयर मैंने चलाया नहीं इसे, और 100 दिन के आसपास मैंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं की थी, उसके बाद जाके पहला चल लगा था। तो उस दौरान 100 दिन में छोटी मोटी कमी आई थी, वो भी दिखा दूंगा मैं सारी। और जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट की जो बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग है, काफ़ी कमेंट आते थे तरुण भाई क्या क्या चीज़ें चेंज करवाने वाले, तो आज मैं थोड़ा आप ऊपर एक आइडिया दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें चेंज होने वाली है। बाकी बाइक थोड़ी गंदी हो रही है, इग्नोर करना, काफ़ी टाइम हो गया बाइक को, तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा। 9 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं पूरे, तो उसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें गाइस की, अगर ओवरऑल लुक देखो तो सबसे पहले काम का जहाँ तक मेरे को आ रहा है ना, जो मैं करवाने वाला हूँ उसमें फेयरिंग का, ठीक है, प्रॉपर फेयरिंग चेंज करवाने वाला हूँ जितनी भी ओरिजिनल 99 थे। बुक करने से पहले मैंने चलो ओफेन एक बार बात कर करता हूँ, कल मार्केट में गया अभी तार पर पता ही आपको उनके नखरे रहते हैं, वो पार्ट वगैरह था नहीं उसके पास कि बोल रहा है मेरे पास ये वाली फेयरिंग नहीं है ऑर्डर कर लो, तो 10 दिन वही मांग रहा है मेरे पास। हाँ बट ये कि ऑथेंटिक सर्विस सेंटर था और जो शॉप भी थी ऑथेंटिक थी बिल्कुल ना। बाकी इग्निशन कॉइल्स की बात करें उसने बोला था चलो ठीक है नेक्स्ट वीक तक मैं अरेंज करा दूंगा, तो मैंने बेटर ऑप्शन चूज़ करा है इग्निशन कॉइल्स के 99। बाकी फेयरिंग की बात करें थोड़ा उसमें जो फेयरिंग एड ऑन करने के बाद काफ़ी खर्चा आता है ना, 99 से आपको पता ही है एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो फेयरिंग की मैंने बात कर रखी है बजाज वालों से, तो फेयरिंग प्रॉपर नहीं आएगी इंक्लूडिंग वाइजर वगैरह सब चीज़ चेंज कराऊंगा। चाहे आपका टैंक टॉप कवर हो गया ना वाला, देखो ध्यान से ना इसे चेंज कराना यार, वही चल रहा है 9 ईयर्स से, देखो ना इसमें दिक्कत क्या है, देखो यहाँ देख रहे हो ये दिक्कत है यार, ये सब चीज़ें ना बहुत इरिटेट करती हैं। चलो हो गया यार ठीक है, टूट गई थी ना सर टाइट करते करते फ्रीक्वेंटली बहुत बार टाइट हुआ ना, और जो ये गैप्स वगैरह पैनल गैप वगैरह ना ये सब कंप्लीट हो जाएंगे जब ये चीज़ मिल जाएगी, डैशबोर्ड वगैरह सब निकल जाएगा। और जैसे एक दिक्कत आई है, बहुत टाइम से खड़ी थी ना बाइक, जैसे देखो अराउंड 100 डेज से खड़ी थी, तो मैंने स्टार्ट तो करी नहीं थी मैं बाहर था जॉब की वजह से, तो यहाँ मीटर में देखो फ्लक्चुएशन हो रही है, सिर्फ ये स्टार्ट हो रहा है देख रहे हो ध्यान से देखना अभी ना, सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है और मीटर कर रहा है फ्लक्चुएट बार बार ना, ये देखो ठीक है, तो ये इशू आ रहा है, इसमें चेक कर लेंगे इंस्पेक्ट कर लूँगा जो भी दिक्कत है ना। बात करें फ्यूल टैंक का जो कैप है इसे भी मैं मतलब न्यू तो नहीं डलवाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कैसे प्रॉपर पेंट वगैरह करके सरफेस फिनिशिंग वगैरह करके इसे ही बिल्कुल न्यू कर देंगे है ना। बाकी देखो छोटी मोटी कमियाँ ही नट में जैसे ये वाला, इसको भी चेंज करूँगा, ये बाहर से लगवाया था मैंने बिकॉज मिल नहीं रहा था मार्केट में, इसे भी जो इसका ऑथेंटिक आता बजाज से और स्टैंडर्ड का उसे परचेज़ करेंगे ठीक है। मीटर के शेल की बात करें पुराना हो गया है, मीटर शेल भी चेंज होगा इंक्लूडिंग डैशबोर्ड। और जो ये देखो मास्टर सिलेंडर में ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये कितना ज़्यादा डस्टी हो रखा है ना, इसका पेंट भी वियर आउट हो चुका है प्रॉपर, देखो ना यहाँ देखो ध्यान से ना, तो इसे भी प्रॉपर जो इसका ये तो रिजर्वेयर का कैप है इसे नया खरीद लेंगे, मिल जाएगा 99 से ठीक है, और यहाँ से रीपेंट वगैरह कर देंगे जो भी होगा ना। ब्रेक लीवर की बात करें, ब्रेक लीवर भी न्यू परचेज कर लेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है। एंड गाइस बात करें रिम की, देखो रिम यार वो चल रही है 9 ईयर्स से, आपको पता है रोड के कॉन्टैक्ट में रहती है, डस्ट वगैरह बहुत होती है, हालांकि यहाँ पे रेनी सीजन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो रखी है बाइक, इग्नोर करना चीज़ को, तो रिम्स तो वही रहेंगी ठीक है। रिम्स एक्सपेंसिव पार्ट हैं, दोनों रिम्स अराउंड 16,000 की आती हैं, तो मैं इसे रीपेंट ही कराऊंगा, रीपेंट की बात कर रखी है मैंने, बॉश का सर्विस सेंटर है जो कार की सर्विस करता है वहाँ पे रीपेंट वगैरह करता है, पेंट बूथ प्रॉपर होता है उनका, तो वहाँ से इसकी रीपेंट कराएंगे ठीक है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह सब दिखा दूंगा मैं। कैलीपर की बात करें, ये देखो बी वाइबर का कैलीपर लगा रखा है इसमें अपना, इसे भी क्लीनिंग वगैरह करेंगे, इसमें ऑयल वगैरह कैलीपर इसके पिस्टन्स वगैरह सब क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से ना, मैं बता रहा हूँ को आइडिया क्या क्या होने वाला काम, प्लेट बिल्कुल ठीक है बाइक की ना। बाकी ध्यान से देखो राइटर ग्रिल है जो, ये देखो राइटर ना, राइटर काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रखा है ठीक है, राइटर पे भी काम करेंगे, राइटर प्रॉपर फ्लश करके क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से, राइटर ग्रिल न्यू आएगी प्रॉपर ठीक है, ये परचेज करेंगे न्यू ठीक है 99 से कर लेंगे, बाकी जो मैंने बात कर रखी है सर्विस सेंटर में या उससे बात कर लेंगे।
अंडर वैली की बात करें, जो अंडर वैली फेयरिंग है यहाँ पे छोटे मोटे पैनल गैप आ गए हैं, ठीक है यार, विद इन टाइम ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत रहती है तो इसे मैं चेंज ही कर लूँगा, वही चल रहे हैं 9 ईयर से ना, ठीक है। ये देखो ये कमी, इसका ब्लैक वाला स्क्रू खरीद लेंगे, ठीक है, ये वाली पूरी प्रॉपर फेयरिंग आएगी, ठीक है। और ये काउल की बात करें, सीट काउल है, ये भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज होगा, ठीक है। और बात करें जहाँ तक इंडिकेटर्स वगैरह की, इंडिकेटर्स तो मैं ये रहने दूँगा, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं इंडिकेटर्स वगैरह में, इसे ही थोड़ा सा रिफिनिश करके अच्छा कर देंगे। टेल लाइट न्यू डालेंगे, मोस्ट प्रॉबली पूरा न्यू डालने का प्लान है मेरा, ठीक है। ये सब ये वैसे ठीक है, टेल लाइट थोड़ी सी LED ख़राब है अंदर की, काफ़ी टाइम हो गया आपको पता ही है बारिश वगैरह में, एक साइड की थोड़ी सी LED अंदर 3-4 LED ख़राब पड़ी है ना। और ये तो मैंने नया डाला था, आपको वीडियो भी थी इसकी, इसे ये देखो, ये थोड़ी सी दिक्कत थी, बिकॉज गाइज ये ना सील्ड पैक आता है, इसे ओपन करने में दिक्कत रहती है काफ़ी, तो मैंने जुगाड़बाजी करके लगा देता पर काम बन गया था, चलो इसे भी न्यू डाल लेंगे पूरी टेल लाइट को, ठीक है। बाकी ये देखो मडगार्ड है, मडगार्ड भी नहीं आएगा, बाइक बहुत गंदी हो रही है, इग्नोर करना, आने वाले टाइम में बिल्कुल सुपर होने वाली है। ये देखो मडगार्ड दोनों ये प्रॉपर नहीं आएंगे, इंक्लूडिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बार मेरी हाइपर राइड गया था गुड़गांव में, वहाँ पे दिक्कत आ गई थी, चैन मेरी ब्रोक हो गई थी, तो उसने दिक्कत क्या करी, ये तोड़ देता मेरा, देखो RS में ये तोड़ेगा, उसने मेरा काफ़ी टाइम पहले किया, 2 साल हो गए, 2.5 साल पुरानी बात है। तो चैन सेट की बात करें, चैन सेट आपको पता ही, मेरे पास रोल ऑन का नया नया रखा है, मेरे को टाइम नहीं मिला था न्यू डालने का, तो वो चैन सेट भी नया डालेगा इसके अंदर, ठीक है। वो दिखा दूंगा मैं किस टाइप का चैन सेट है, इंक्लूडिंग जो ये रबर होती है, देखो स्लाइडर, ये स्लाइडर काफ़ी पुराना हो गया देखो, ठीक है, ये तो वही चल रहा है स्टॉक वाले जो कंपनी से आता है, इसे भी चेंज करेंगे। और जो इसके अंदर हब की है, यहाँ पे हब होता है जो, उसके अंदर रबर होती है, ठीक है, तो व्हील हब रबर भी मेरे पास न्यू है, ब्रांड न्यू रखी है, उसे चेंज कर लेंगे। और ये देखो स्विंग आर्म, स्विंग आर्म में देखो रस्ट वगैरह, यार खड़ी थी ना बाइक, दिक्कत होगी, जैसे मड वगैरह होती है, वैट मड होती है, अगर वैट मड इस पर जम जाए काफ़ी टाइम खड़े तो वो रस्टिंग इशू क्रिएट करती है, तो इस वाले पार्ट को भी मैं रीपेंट करके प्रॉपर जितना ही है ये कर दूंगा, ठीक है। शॉकर मेरा बिल्कुल ठीक है, ये देखो मोनो शॉक है ना, जो मोनो शॉक बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है, स्टॉक वाला चल रहा है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। बाकी ध्यान से देखना कैट है जो कैट, ये देखो कैटलिटिक कन्वर्टर को ना, कैटलिटिक कन्वर्टर भी इसमें क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आप देख पाओगे ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कहाँ से रस्टिंग इशू आया, जो मेरा स्विंग आर्म है, ठीक है, सेम गूरी बाइक की बाइक में भी आता है ये वाला दिक्कत, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा, अगर आप जज कर पाओ तो वहाँ से इसकी प्रॉपर छोटी सी वेल्डिंग करा के रिपेंट करना, दिखा देता हूँ आपको, कैमरा नोटिस कर पाएगा ना, ध्यान से देखना इस जगह, ये देख रहे हो गाइस है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा ना, यहाँ पे रस्टिंग का इशू दिख रहा है, ये देखना आप है ना, ये दिख गया होगा आपको ना, ये देखो ना जहाँ से ये ब्रोक को रखा है इस जगह से ना, ये देख रहे हो, तो इसे भी कराएंगे। गाइस बात करें जो फ्रंट स्प्रॉकेट कवर है, इसे भी चेंज कराएंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रैशेज वगैरह आ गए हैं। साइड वाला पैनल इंजन का, इसे क्लीन कर देंगे, अंडर वैली लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर चेंज होगी, ठीक है। और ये देखो थोड़ा सा इग्नोर करना, ये शूज़ वगैरह ख़राब ना हो, उस वजह से करा मैंने, ये ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका लुब्रिकेशन वगैरह करके इसे अच्छी तरीके टाइट वगैरह करके इस पर हमारा प्रॉपर काम हो जाएगा। इसे न्यू लगाने की मेरे को ऐसा लगने सच कोई ज़रूरत है, बाकी देख लेंगे, अगर लगेगा मेरे को अभी ये ठीक चल रहा है वैसे टचवुड, लुब्रिकेशन करेंगे AP3 ग्रीस वगैरह से तो बात बन जाएगी, फुट पैड वगैरह भी लुब्रिकेशन कर लेंगे, काफ़ी टाइम से करानी है मैंने, तो इसमें जो काफ़ी टाइम से खड़े होने के से छोटा मोटा रस्टिंग इशू है ना वो सारा कर लेंगे। और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का जला पैनल भी बिल्कुल चेंज होएगा, ये सब चीज़ें। और चेजेस की बात करेंगे गाइस, मेन तो चेजेस की बात है ना, तो चेज भी पूरी रिपेंट करवाने वाला हूँ, बात कर ली एक बॉस पे, ठीक है, एक बार उनका वर्क भी देखा मैंने, पेंट बूथ में अच्छी तरीके से चेज को प्रॉपर रिपेंट कराएंगे पूरी बाइक ओपन करके। गाइस बात करें लेफ्ट हैंड साइड फेयरिंग की, तो वैसे कंडीशन तो ठीक है इसकी, कोई बुरी नहीं है, बट स्टिल मैं इसे चेंज करा लूँगा, मुझे बाइक बिल्कुल प्रॉपर न्यू करनी है। एंड गाइस अगर हैंडल की साइड आए, देखो छोटे मोटे यार यहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे ऑयल वगैरह पहले पास्ट में गिरा होगा तो यहाँ से रैशेज वगैरह आ गए ना, या इतने टाइम में हो जाता आपको पता ही है ना, काफ़ी टाइम चलती है बाइक, तो यहाँ देखो ये ओपन हुआ है ना शॉक और ऑयल चेंज करते टाइम, तो ये भी थोड़े ओल्ड से हो गए हैं, न्यू परचेज कर लेंगे या फिर इसके ऊपर ही प्रॉपर पेंट वगैरह कर देंगे, बॉश से ही पेंट करा लेंगे अच्छे तरीके से। एंड गाइस एक और चीज़ है, जब भी RS वगैरह किसी गिरी होगी ना, आपने नोटिस करा होगा, तो हल्की सी ना इसका जो फेयरिंग स्ट्रक्चर है एक तरफ बैंड होता है, ये तो राइट साइड होगा, डिपेंड करता है किस तरफ इम्पैक्ट आया, तो मेरी बाइक गिरी थी एक बार, जिस वजह से ना इसका जो फेयरिंग स्ट्रक्चर है ना हल्का सा बिल्कुल 1 mm के आसपास 2 mm के आसपास ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बैंड है, तो मैं इसे हीट करके अगर प्रॉपर बात बन जाएगी तो मैं राइट हैंड साइड करवा दूंगा उसे, बिल्कुल इंक्लाइंड से करवा देंगे, प्रॉपर सेट हो जाएगा। बात नहीं बन पाई तो फेयरिंग स्ट्रक्चर भी न्यू ला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रीपेंट वगैरह करके अगर बात बन जाती है तो बेस्ट रहेगा। एंड गाइस बात करें हेडलैम्प की, ये देखो गाइस इसमें हेडलैम्प स्टॉक वाले चल रहे हैं, और गाइस बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा, इसके जो बल्ब है ना हैलोजन जो इसके बल्ब हैं
वो बिल्कुल स्टॉक चल रहा है कंपनी से आए थे। हालांकि एक साइड का प्रोजेक्टर मेरा एक्सीडेंट में टूट गया था, तो प्रोजेक्टर मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला चेंज हुआ था, ठीक है, बस उसके बल्ब दोनों पुराने वो चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी उनकी डाउन हो गई है, काफ़ी डाउन हो गई है लगता है यार काफ़ी टाइम बाद। तो मतलब रोड पर अच्छी क्लैरिटी है, तो मैं उस राम की इसमें LED इंस्टॉल करने वाला हूँ, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा आपको। बहुत से लोग कह रहे थे यार तरुण भाई नाइट आई कर लो, पर मैं नाइट आई की जगह उस राम डालूंगा। डबल प्राइस है, प्राइस बताया था 3300 रुपये के आसपास के, 3300 के आसपास। चीज़ अलग है, बस ना बोलिए, फुल डोमिनेट करती है नाइट आई के ऊपर। गज बात करें साइलेंसर कवर की, देखो ध्यान से ना, ये बेसिकली सभी की RS में आता है, एक आध बार गिर जाता तो यहाँ से आ जाती दिक्कत ना। इसे ओपन करके एलन की हेल्प से, यहाँ से देखो ना एलन की वगैरह है, तो उसे रिपेंट करेंगे प्रॉपर, जितना भी काम होगा कैट वगैरह क्लीन करेंगे, इंजन बे पूरा क्लीन करेंगे, इग्निशन कोइल्स नहीं डलेंगे गाइस, ठीक है। एंड गाइस बात करें फ्यूल पंप की, फ्यूल पंप मेरे को अराउंड हो गया 2018 में चेंज करवाया था मैंने जनवरी में, ठीक है, तो आप खुद लगा लो इसे अराउंड फ्यूल पंप को 6.5 साल चल चुका है, ठीक है, अभी भी चल रही है बाइक, लेकिन मैं न्यू इंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, या तो BS4 में पूरी कन्वर्ट कर दूंगा फ्यूल टैंक के साथ इंक्लूडिंग फ्यूल पंप, ठीक है, वायरिंग वगैरह देख लेंगे, मेरे पास कपलर रखे हैं, ठीक है। बाकी वरना इसमें सिर्फ बॉश की ओरिजिनल मोटर डाल दूंगा, मैं दिखा दूंगा बॉश की मोटर किस तरीके से आपने देख रखी है मेरी वीडियो में, ठीक है। इग्निशन कॉइल चेंज होंगी, स्पार्क प्लग तीन होंगे, NGK का भी डालते मैंने सारे के सारे तीनों स्पार्क प्लग, कोई दिक्कत नहीं है। एयर फिल्टर चेंज होगा, इंजन बिल्कुल अभी रिसेंट में डाला मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल का डल रखा है बेस्ट है, और इंजन बे प्रॉपर क्लीन करेंगे जितना भी इंजन बे वगैरह। एंड गाइस बात करें इस पोर्शन की, देखो ये भी प्रॉपर जो ये मडगार्ड है अपना पिलियन सीट के नीचे वाला पोर्शन है, इसे प्रॉपर इसे न्यू डालेंगे, ठीक है, तभी बाइक में गैटअप आएगा कहीं ना कहीं। एंड सीट कवर्स की बात करें ये रहने देंगे, और गाइस छोटे मोटे जो भी काम है ना आने वाली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आपको। साइड स्टैंड की बात करूँ तो साइड स्टैंड भी न्यू इंस्टॉल कर देंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है, रस्टिंग वगैरह का इशूज़ में भी देखने के लिए आपको दिख रहा होगा, देखो ये भी रस्टिंग इशू है इसमें छोटा मोटा, इतना टाइम में आ जाता है, ठीक है। एंड गाइस बात करें साइलेंसर की, ये देखो एग्जॉस्ट जो पाइप है ना बैंड पाइप जा रहा है एग्जॉस्ट से, तो इसे भी ओपन करा के अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, राइडर वगैरह सब, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, अभी बहुत से पार्ट्स मिसिंग हो जाएंगे, मैं धीरे धीरे आपको सारे वीडियो में देखने को मिलेंगे, मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दिया है। और देखेंगे अभी टायर पर बात करें तो मेरा पूरा प्लान है, जो रियल टायर है ना मैं अपोलो का Alpha H1 डलवाने वाला हूँ, जहाँ तक है पूरा मन उस चीज़ का, देख लेंगे उसकी कंडीशन कैसी है, बाकी ठीक लग रही है मेरे को, स्टिल जाऊंगा अपोलो के H1 की तरफ जाऊंगा। सो गाइस आज की वीडियो में तो यही था, बाकी जो छोटे मोटे चेंजेस होंगे और भी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, अभी पार्ट्स का वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही पार्ट्स आएंगे सारे, अभी सारे पार्ट्स आने दो, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इग्निशन कॉइल्स वगैरह आपको अपडेट मिलता रहेगा, ऐसा ना हो पार्ट्स ले जाएँ तो रजिस्ट्रेशन वगैरह डिल हो जाएगा, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में, जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियो।